के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज कि हमारा जो काम पिछले 65 साल से हम करते आए हैं उसको परम पूज्य संघ संचालक जी आके यह देख रहे हैं और हमें दिग्दर्शन दे रहे हैं। मैं एनसीडीसी के जो हमारा फैमिली है उसके तरफ से कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जो प्रधानमंत्री जी का मिशन 2022 है उसके साथ साथ हम सरकार 22 बोल के मिशन प्रस्तुत किया है जो आज इसका विमोचन हो रहा है। ये जो सरकार 22 है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उससे पहले एनसीडीसी क्या करता है, क्या आज तक किया है, उसके लिए चंद चीजें मैं बताऊंगा। हमारे देश में जैसे आपको पता है 10 लाख कोऑपरेटिव है और जिसमें 3 करोड़ मेंबर्स मोस्टली जो किसान भाई हैं बहने हैं वो हमारे मेंबर्स, उनको हम डायरेक्टली एनसीडीसी की तरफ से उनको हम असिस्टेंस देते हैं। हम छोटे से छोटे कोऑपरेटिव से लेके बड़े से बड़े से कोऑपरेटिव्स को हम असिस्टेंस जो है वो देते हैं। एनसीडीसी एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जीरो एनपीए और आज तक इसका जो रिकवरी रहा है ऑलमोस्ट 99% रिकवरी रहा है। आज एक ऐसी महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन हम एनसीडीसी के तरफ से जिसके हमारे चेयरमैन माननीय मंत्री कृषि मंत्री भारत सरकार के जो है इसके चेयरमैन है उनके गाइडेंस पे एनसीडीसी पहली बार अपना जो टर्नओवर 20,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया है आज की डेट पे। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है जो मेजर अचीवमेंट हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में माना जाता है। कहाँ एनसीडीसी 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ की काम करता था, अभी इसी साल में हम 20,000 करोड़ से एक ही साल में 20,000 करोड़ से ज्यादा कोऑपरेटिव लोन दे चुके हैं। और हमारा जो वैल्यू एडिशन फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसिंग क्रेडिट जो किसान भाइयों को देते हैं और हम लोग 400 डिस्ट्रिक्ट 400 जिले में ये सब काम पिछले दिनों में किए हैं। और हमारा जो काम है मोस्टली बहुत ही लिबरल टाइप ऑफ हमारा जो फॉर्मेलिटी होता है। पूरा देश में 18 रीजनल ऑफिसेस हैं और आज तक ये 65 साल में हमने 1,00,000 करोड़ की जो ऋण दिया है सिर्फ एक ही साल में, और जब से पिछले 4 साल में हमने ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोन हमने दिए हैं। 2014 तक जितना लोन दिया गया था और 2014 से आज तक ये 4 साल में उससे हमने 50% ज़्यादा दे चुके हैं, 51% ज़्यादा दे चुके हैं। ये सब उपलब्धियां जो एनसीडीसी की है उसके साथ साथ हम सहकार भारती के साथ मिलके बहुत सारे काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसी का बेसिस है ये सहकार 22। सहकार 22 में हम 222 जिला ऐसे जिले को हम उठाना चाहते हैं जहां कोऑपरेटिव्स के जितने सारे फैसिलिटीज है, जहां जो कुछ भी असिस्टेंस दिया जा सकता है और पर्टिकुलरली जो किसान की जो इनकम दिगना करना है उसी के डायरेक्शन में हम सहकार भारती के साथ मिलके ये मिशन 2022 के लिए हमारा सहकार मिशन 2022 हम आज शुरुआत कर रहे हैं। ये मिशन में 5 चीज़ें होंगे जिसमें हम 222 जिले के ऊपर काम करेंगे और अपना किसान रिसोर्स सेंटर्स बनाएंगे और पर्टिकुलरली जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके ऊपर स्पेशल फोकस रखेंगे। बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाए गए हैं सरकार के तरफ से। अभी इन दिनों गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस इसराइल के साथ मिलकर बनाया गया है, वो बहुत अच्छा काम करें, मगर उसका जो किसान भाइयों को हम एकत्रित करके उनको मार्केट में और बिजनेस मोड में लेने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है जो आज हमें एक
प्रोत्साहन और एक मौका मिला है काम करने के लिए, वो है लखन राव जी इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस एकेडमी को एक विश्व के बहुत ही महत्वपूर्ण एकेडमी और रिसर्च सेंटर हम बनाना चाहते हैं और ये इसी सहकार 22 का एक पार्ट रहेगा और इसका नाम हमने सहकार प्रज्ञा रखा है। इसके लिए सहकारिता आंदोलन का मुख्य पीठ यही रहेगा जहां हम सारा प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन रिसर्च डेवलपमेंट सब यहीं पे नेशनल एकेडमी में करेंगे। नेशनल एकेडमी का जो गवर्निंग बॉडी है वो बहुत खुशी की बात है, हमारे माननीय मंत्री जी के डायरेक्ट ऑर्डर्स के तहत गवर्निंग बॉडी बनाया दिया गया है और गवर्निंग बॉडी के जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो भी आज यहाँ उपस्थित है। ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये जो राष्ट्रीय एकेडमी हमारा बना है उसका गवर्निंग बॉडी भी मौके पर आ गए हैं और इसके लिए हमारे कोर्सेस भी लाइंड अप है जिसके लिए हम काफ़ी नेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दोनों के साथ हमारा कोलाबोरेशन भी तैयार है। हम NCDC के तरफ से हम यही अपेक्षा रखते हैं कि हमें दिग्दर्शन दिया जाए तो जैसे हम पिछले दिनों में दिया गया है और हर एक का सहयोग से हम आगे कोऑपरेटिव्स के थ्रू सारे किसान भाइयों को और उसके साथ जुड़े हुए बाकी जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं किसी भी कोऑपरेटिव्स को हम उनको आगे बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। यही हमारा विनती है और ये हमारे लिए आपके तरफ से हमें ये आशीर्वाद दिया जाए। शुक्रिया।